दोस्तों फाइनली तुम्हारे भाई ने अपना फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप खरीद लिया है, तो आज की वीडियो में आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, उसके फीचर्स बताऊंगा और गेमिंग लैपटॉप है तो यार एक गेम भी खेलकर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चले कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और ये तुम्हारे भाई का फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप है, इससे पहले मेरे पास गेमिंग पीसी भी नहीं था। तो दोस्तों ये सब आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है, मैं अपना फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप खरीद पाया हूँ और मैं फर्स्ट टाइम GTA 5 खेल रहा हूँ, आप ये देख ही सकते हो। तो यार आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, मैं भी अपना हार्डवर्क करते रहूंगा और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो या फिर वीडियो को देख रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेट कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कुछ होता है। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। तो मैंने इसे amazon.in से मंगाया है और मैं चेक कर रहा हूँ कि सब जगह से ये सील पैक है या नहीं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आप कुछ भी चीज़ लेते हो जो महंगी होती हो तो आप उसकी वीडियो बना लो और चेक कर लो कि यार सील पैक है या नहीं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट डैमेज रहा या फिर उसके पार्ट्स मिसिंग है या फिर डिफेक्टिव है तो फिर आप उसे रिटर्न कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमें लैपटॉप मिल गया है और ये सील पैक है। मैंने वो भी चेक कर लिया कि यार इसकी सील तो निकली हुई नहीं है, क्योंकि अगर सील निकली हुई रही तो आपको ही पता है क्या निकलेगा अंदर। तो ये सील पैक है, मैंने चेक कर लिया। तो अभी मैं इसे जल्दी से ओपन करता हूँ, मेरा कटर आ गया है तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो मैंने फिर इसे ओपन किया तो इसके अंदर और एक बॉक्स है जो कि है मेन लैपटॉप का बॉक्स, तो आप ये देख सकते हो और ये भी सील पैक है। तो जल्दी से मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये मेरा एसर नाइट्रो 5 है, मैं आगे आपको इसकी स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा, आप बस अनबॉक्सिंग देखते जाओ। तो फिर ये दो साइड से ये खुलता है, तो मैंने इसे ट्राई किया पर इसे ओपन नहीं हुआ। तो लेफ्ट साइड में ये है, तो लेफ्ट साइड से इसे ओपन करना पड़ेगा, फिर राइट साइड से, और फिर जब अंदर से आप इसे पुल करोगे मतलब ऊपर की तरफ करोगे तो फिर ये ओपन हो जाएगा। तो लैपटॉप काफ़ी सेफ्टी के साथ आया है, आप ये देख सकते हो, या उन्होंने दो स्पंज भी दिए है जिससे लैपटॉप ख़राब ना हो। तो जल्दी से मैं इसे निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये एसर नाइट्रो 5 है, आप ये देख सकते हो। तो ये लैपटॉप सेफ्टी के साथ आया है और एक बॉक्स भी है और अंदर कुछ नहीं है, इतना ही उन्होंने दिया है। तो ये चार्जिंग के लिए है, तो आप देख सकते हो इस बॉक्स के अंदर चार्जर है और वायर है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और मेन चीज़ की तरफ जाते हैं। तो मेन चीज़ से पहले यार उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं, तो आप देख सकते हैं प्लैनेट 9 कुछ तो है, जीजी ये दिया हुआ है और उन्होंने यूज़र मैनुअल दिया है पढ़ने के लिए, तो यार ये हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो लैपटॉप फुल्ली सेफ है, अगर ये गिर भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग करके दी है। तो ये वन साइड से मैं निकाल लेता हूँ और एक लेफ्ट साइड में भी है, उसे भी निकाल लेते हैं। और एक बैग भी दी है, सिंपल बैग है, ये ऐसे कॉटन जैसी लग रही है। तो ये सिंपल बैग है मतलब पतली है पर ठीक है प्रोटेक्शन के लिए, मतलब स्क्रैचेस ना गिरे। तो मैं अभी इसे ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यार लैपटॉप अंदर है। तो यार बहुत ही ज़बरदस्त लैपटॉप है, आप देख सकते हो, तो ब्लैक कलर का है ये एसर। तो मैं अभी इसे जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा पुराना लैपटॉप। तो आप राइट साइड में ये देख सकते हो, ये है मेरा पुराना लैपटॉप HP का। तो मैं इससे ही अपने वीडियोस को अपलोड करता हूँ और ये 5 या 6 साल पुराना है। अभी वो पूरा डैमेज हो गया, आप देख सकते हो उसके बटन्स भी निकल गए हैं और अभी पूरा डेड हो गया, ये स्टार्ट ही नहीं होता, इसका हिंज का भी प्रॉब्लम है और बैटरी का भी इश्यू है। तो मैं इससे ही अपलोड करता था पर अभी नया गेमिंग लैपटॉप आ गया है, तो फिर यार एसर से ही अभी अपलोड करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये लैपटॉप कैसे दिखता है। तो ऊपर से लैपटॉप ऐसे दिखाई देता है, तो सेंटर में एसर की ब्रांडिंग दी है, ज़्यादा कोई फैंसी टेक्सचर्स नहीं है, आप देख सकते हो ये लाइट दो टेक्सचर्स दिए है, पूरे ब्लैक कलर का है और ये प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। राइट साइड में आप देख सकते हो एक USB पोर्ट है और HDMI पोर्ट है, सेंटर से ऐसे दिखाई देता है। और लेफ्ट साइड में दो USB पोर्ट है, एक कंबाइंड 3.5 mm का जैक है और एक LAN का पोर्ट है और एग्जॉस्ट भी दिया हुआ है और एक लॉक है। तो पीछे के साइड आप देख सकते हो
काफ़ी अच्छे एग्जॉस्ट है। इसके मैं आपको थर्मल्स बताऊंगा, सबसे बेस्ट थर्मल्स है इस लैपटॉप के। पीछे के साइड आप देख सकते हो दो वेंट्स है, और राइट में भी एक वेंट है और लेफ्ट में भी वेंट है, मतलब चारों तरफ से एयर एग्जॉस्ट हो जाती है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ लेफ्ट और राइट से फिर से। तो अभी मैं लैपटॉप को ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप ये देख सकते हो ऐसे दिखाई देता है और बहुत ही मस्त है। और इसके ये कीबोर्ड RGB है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, या आप देख सकते हो ब्रांडिंग्स दिए हुए है, तो ये इंटेल बेस्ड है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ, तो यार ओपन क्यों नहीं हुआ, फिर से एक बार दबाते हैं, तो यार ठीक से बटन नहीं दबाता शायद। तो मैंने सारा सेटअप कर लिया है और आप ये देख सकते हो RGB स्टार्ट हो गई है और Acer का लोगो भी आ गया है, और 3 या 4 सेकंड में ही विंडोज़ ओपन हो जाता है। मेरा पहले वाला लैपटॉप को यार 1 मिनट लेता था या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आप देख सकते हो। तो मैं अभी इसे ओपन कर दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने अभी RGB लाइटिंग भी स्टार्ट कर दी है कीबोर्ड की। तो अभी मैं सबसे पहले आपको इसके स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस लैपटॉप को खरीदना है तो इसकी बेस्ट बाय लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वहाँ से खरीदोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो इस लैपटॉप के अंदर CPU है i5 11th generation का, आप ये देख सकते हो 11400H और 2.7 GHz पर है, और मेमोरी इसके अंदर 8GB है, 8GB 32 MHz की, और आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक इसके अंदर डिस्क भी है NVMe, आप देख सकते हो SSD भी लगी हुई है 256GB की, और एक हार्ड डिस्क भी है 1TB की, और GPU एक है इंटेल का, और मेन GPU है RTX 3050। तो आप देख सकते हो NVIDIA का GeForce RTX 3050 है, और ये सबसे बेस्ट है, और ये मैंने 68K में लिया है, और इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट या बजट लैपटॉप है। और मैंने GTA 5 इंस्टॉल कर दिया है, और अभी मैं इसे ओपन करके आपको गेमिंग रिव्यू भी दूंगा कि इस लैपटॉप पर गेम्स कैसे चलते हैं। और अगर आपको GTA 5 या फिर अदर गेम्स के फुल वॉक थ्रू वीडियो या फिर गेम प्लेस देखने हैं तो आप मेरे सेकेंड गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे सेकेंड गेमिंग चैनल का नाम है रियान गेमिंग, आपको चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसे सब्सक्राइब जरूर करना। मैं वहाँ GTA 5 और बाकी PC गेम्स के वीडियो डालता रहता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इसके RGB इफेक्ट्स दिखाता हूँ। तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है नाइट्रोसेंस नाम से, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप इसके RGB कंट्रोल कर सकते हो, और उसी के साथ आप फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी मैंने इसे मैक्स कर दिया है, तो आप देख सकते हो 5000 RPM और 6000 RPM पर रन करते हैं, जिससे जल्दी GPU और CPU कूल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था इसके थर्मल सबसे बेस्ट है, और यह इसका ये सॉफ्टवेयर है, तो आप देख सकते हो यहाँ से आप इसको कीबोर्ड लाइटनिंग तो चेंज कर सकते हो। तो ये स्टैटिक वाला है, मतलब एक सिंपल रहता है स्टैटिक में, तो इससे आप कलर चेंज करते हो, और डायनामिक में आप देख सकते हो इतने सारे इसके अंदर ऑप्शन है, तो आप कौन सा भी कलर रख सकते हो। ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये वाला ब्लू है, ग्रीन है, तो इसे आप चेंज कर सकते हो। मुझे ये वेव फॉर्म बहुत ही पसंद है, वेव में बहुत ही मस्त दिखाई देता है। तो अभी मैं आपको GTA 5 का रिव्यू देता हूँ, तो आप ये देख सकते हो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं स्टोरी मोड अभी खेलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, बाद में मैं ऑनलाइन भी खेलूँगा मेरे सेकेंड गेमिंग चैनल पर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब कर दे, बहुत ही मज़ा आएगा उस चैनल पर, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। गेम्स बहुत ही ज़बरदस्त चलते हैं इस लैपटॉप पर, आप ये देख सकते हो मैं GTA 5 खेल रहा हूँ, और मैं पूरे हाई सेटिंग्स के साथ खेल रहा हूँ। तो हाई सेटिंग्स पर मुझे 60 से लेकर 65 तक FPS मिलते हैं, और अगर मैं थोड़ा सा उससे कम कर देता हूँ एक, तो फिर 70-75 जाता है, और ये 8GB रैम के साथ है। अगर मैं इसका रैम एक्सटेंड कर दूँ, मतलब बढ़ा दूँ, 16GB कर दूँ, तो मुझे बहुत FPS मिलेंगे, और इसका GPU बहुत ही मस्त काम करता है। और ये भागते भागते ये भाई साहब गिर गए, और ये भाई साहब ने मुझे गाली दी। अरे साले, तू मुझे गाली कैसे क्या दे सकता है, रुको दोस्तों, अभी देखो इसका मैं क्या करता हूँ। A few moments later. आगे ही जा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मौत आ गई है, तो यार तू पानी के अंदर बच नहीं सकता, ये ले। तो एक बुक्के में साले नीचे गिर जा, और ये ले, तो यार ये मर गए है शायद। और आंटी जी आप क्या देख रहे थे, आंटी जी फुल यार देख रही थी मैं यहाँ रील्स बनाती हूँ पानी के साइड में। तो यार दोस्तों, आपको कैसे लगा ये गेमिंग लैपटॉप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो यार लाइक ज़रूर कर देना। और इस गेमिंग लैपटॉप से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसके आंसर्स बता दूंगा, या फिर मैं अपने सेकेंड गेमिंग चैनल पर अगर आपको इसके बेंचमार्क्स देखने हैं या फिर कुछ भी गेम को ट्राई करना है तो मुझे बता सकते हो, मैं उस चैनल पर आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, मिलता हूँ मैं आपको और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।